हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार क्लासेस में। तो आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं क्लास नाइन्थ का जो फर्स्ट चैप्टर है, हमारे आसपास के पदार्थ, उसका कुछ नोट्स एंड एक्सटर्नल और इंटरनल क्वेश्चन को लेकर आए हैं। ठीक है, कुछ टॉपिक है वो भी हम आपसे रिलेटेड जो है डिस्कस कर लेता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है क्या। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो पदार्थ के बारे में पहले जानना होता है, तो पदार्थ होता क्या है, तो वो सारे चीज़ें जो स्थान घेरती हो और जिसमें द्रव्यमान हो और जिसे हम ज्ञान इंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, पदार्थ कहलाता है। विश्व में प्रत्येक वस्तु पदार्थ होता है। पदार्थ कणों का बना होता है। ठीक है, और ये कण अत्यंत सूक्ष्म होती है। ठीक है, इसके कुछ प्रॉपर्टीज देखें तो वो प्रॉपर्टीज हमारा क्या है, तो प्रॉपर्टीज क्या इसको बोल सकते हैं, अभिलक्षण। ठीक है, पदार्थ के कणों का अभिलक्षण गुण। ठीक है, अभिलाक्षणिक गुण कहेंगे इसको। तो पदार्थ के कण निरंतर क्या होता है, गति करते रहते हैं, यानी उनके पास गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, और सेकेंड प्रॉपर्टीज की बात किया जाए, तो गुण की बात किया जाए, तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। नंबर थर्ड, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारा है पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर। तो स्टेट ऑफ मैटर क्या है, तो कह रहा है कि भौतिक रूप से पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया है, यानी भौतिक रूप यानी फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग जो बांटा गया। आगे जो हमारा जो सेकेंड चैप्टर वो है केमिकल स्टेट के कारण। ठीक, केमिकल रूप के कारण। ठीक है, तो भौतिक रूप से हमारे पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया, जो है ठोस, द्रव और गैस से, सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैस। ठीक है, ये तीनों है, इसका इंग्लिश नेम है। सॉलिड क्या होता है पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो सॉलिड सॉलिड होता है जिसका आकार एवं आयतन निश्चित हो, ठोस कहलाता है। ठीक है, और इसका कुछ गुण होता है कि इनकी संपीड्यता जो होता है नगण्य होती है, यानी संपीड्यता जो बहुत ही कम होती है। ठीक है, ना के बराबर होती है। ठीक है, और ये दृढ़ होता है, एकदम कठोर होता है। ठीक है, मतलब इसको अगर दबाने पर ये क्या होता है, नहीं दबता है। ठीक है, ठोस में अंतरणविक आकर्षण बल प्रबल होता है, यानी मजबूत होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ठोस में इसका प्रॉपर्टीज कह लीजिए, इसके बारे में जान लीजिए, ऐसा कुछ होता है तो ठोस कहलाता है। तो ठोस जो है, और इसमें जो है ये लिक्विड की तरह फ्लो नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं द्रव यानी लिक्विड स्टेट में। तो लिक्विड होता क्या है, तो लिक्विड जो है हमारा कुछ नहीं है, लिक्विड। ठीक है, द्रव, द्रव यानी कि जिसका आकार निश्चित हो लेकिन आयतन अनिश्चित हो। ठीक है, ये हमारा क्या है, लिक्विड है। ठीक है, और क्या होता है, द्रव तरल होते हैं, उनमें बहाव होते हैं, द्रव में अंतरणविक आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होते हैं, द्रव में रिक्त स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है, यानी कि इसका जो दोनों के बीच में जो कण होता है, जो पार्टिकल्स होता है, उनके बीच में जो रिक्त स्थान होता है, उसके मतलब क्या होता है, रिक्त स्थान जो होता है ठोस की अपेक्षा थोड़ा अधिक होता है। ठीक है, और इसमें संपीड़न ठोस की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, द्रव के प्रॉपर्टीज हो गए। चलिए आगे हमारा है गैस। गैस क्या होता है, गैस के बारे में हम लोग जान लेते हैं। गैस होता है क्या है, तो जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हो, गैस कहलाता है। गैस में बहाव अधिक होता है, बहाव मतलब ये इधर उधर देखते हैं, गैस क्या होता है, फैलते रहता है। गैस में अंतरणविक आकर्षण बल बहुत ही दुर्बल होता है, यानी कमजोर होता है, ना के बराबर ही होता है। ठीक है, गैस में संपीड़न अधिक होती है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हो जाए, गैस के प्रॉपर्टीज हम कह सकते हैं। ठीक है, तो गैस के बारे में हम लोग जान गए। अब हम जानते हैं कि अब हम कह सकते हैं पदार्थ की अवस्थाओं को बदलना, तो हम इसको अवस्थाओं को जो चेंज कर सकते, तीन अवस्था, तीनों का अवस्थाओं को जो चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं, तो दो माध्यम है इसको चेंज करने के लिए। तो पहला माध्यम हमारा है, यह है तापमान में परिवर्तन करके। तो तापमान क्या होता है, जैसे अगर देखा जाए तो हम लोग अपने लाइफ में देखते हैं कि बर्फ पानी बन गया, पानी गैस बन गया, गैस फिर पानी बन जाता है, फिर पानी से बर्फ बन जाता है, ये ऐसा क्यों होता है।
वैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर कारण होता है, यानी तापमान बढ़ा रहे घटा रहे, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं, बर्फ से पानी बन गया, पानी से गैस बन गया, ठीक है। ये हमारा एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जो कि हम लोग देखते ही है। तो यही है कि यदि हम तापमान को पुनः घटाते हैं तो यह गैस से द्रव और द्रव से ठोस में बदल जाता है, राइट। तो तापमान के परिवर्तन के प्रभाव, क्या क्या प्रभाव होते हैं अगर तापमान उसको देखते हैं, उसके बीच में होता क्या है, तो वो हम देख ले। द्रवणांक या गलनांक या बिंदु एक ही बात है, मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है इसके बारे में जान लेंगे, और क्वथनांक बिंदु क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो गलनांक होता क्या है, किसी ठोस का वह तापमान जिस पर वह अपनी ठोस अपेक्षा से पिघल कर द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है गलनांक कहलाता है, राइट। और क्वथनांक बिंदु क्या होता है, किसी द्रव का वह तापमान जिस पर वह अपनी द्रव अवस्था को छोड़कर गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है क्वथनांक कहलाता है, समझ रहे बात को। तो चलिए अब होता है संगलन की प्रसुप्त उष्मा, जिसको लेटेंट एनर्जी कहते हैं, छुपा हुआ, वो क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस, यानी कि 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त उष्मा कहते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा अगला टर्म जो है हमारा है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण होता क्या है, यानी वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा, वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा इसके बारे में जानते हैं। ये भी कुछ नहीं है, वायुमंडलीय दाब पर 1 kg द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा कहते हैं, ठीक है, लेटेंट हीट इसको कहते हैं, राइट। और एक हमारा ये पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, ठीक है, इंग्लिश में सब्लिमेशन कहते हैं। इसमें होता क्या है, पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। इसका काम क्या है, ये होता है ठोस से सीधा गैस में बदल जाना। और एक आता है निक्षेपण, निक्षेपण क्या था इसका जस्ट अपोजिट है, गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। जैसे इसका कुछ एग्जांपल हो जाता है, ये दोनों के लिए एग्जांपल है, कपूर अमोनिया क्लोराइड, नेफ्थलीन की गोलियां आदि, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, निक्षेपण या ऊर्ध्वपातन का कुछ पदार्थ था जो कि होता है, ठीक है। तो हमने देखा अवस्था को चेंज करने के लिए ताप, ताप में क्या क्या होता है वो चीज हम देख ले। अब होता है दाब परिवर्तन के प्रभाव, दाब परिवर्तन क्या होता है, दूसरा जो था यानी कि इस स्टेट को जो हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, वो दाब परिवर्तन के, दाब लगा के हम इसको अवस्था को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यदि तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करे तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और गैस द्रव में बदल जाएगी, ठीक है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, किसी भी मतलब जो है क्या कर रहे हैं, गैस को लेकर अगर उसको संपीड़न किया जाए यानी उसको दबाया जाए, दाब लगाया जाए, तो उनके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगा और अंततः वह क्या हो जाएगा, द्रव बन जाएगा। अगर और फिर दाब लगाया जाए तो वो क्या हो जाएगा, फिर गैस में हो जाएगा। तो इससे हमें यह निर्णय लगता है कि दाब बढ़ाने से कण क्या होते हैं, नजदीक आते हैं, और दाब घटाने से कण क्या हो जाते हैं, दाब घटाने से कण दूर हो जाते हैं, ठीक है। और एक ठोस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहते हैं, और ये गैस से ठोस में परिवर्तन होने के बाद शुष्क बर्फ बन जाता है, यानी कि ये जो होता है सूखा बर्फ जिसको बोलते हैं, यह CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को सूखा बर्फ कहते हैं, समझ वाली बात। अब आता हमारा वाष्पीकरण होता क्या है और वाष्पीकरण के क्या प्रभाव है, इससे क्या क्या कारण होता है, रीजन हमें बताना होगा, ठीक है। तो वाष्पीकरण होता क्या है, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव से वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं, ठीक है। तो वाष्पीकरण जो होता है ये डिपेंड करता है किस किस पर, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक है, सतह का क्षेत्रफल, देखो इस पर बहुत सारे प्रश्न मतलब बनता है, सतह का क्षेत्रफल अगर ध्यान देना, अगर कप है और एक प्लेट है तो उसमें जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा वो ज्यादा वाष्पीकरण हो जाएगा, जिसका कम होगा मतलब बहुत देरी से होगा वाष्पीकरण, इसलिए सतह का क्षेत्रफल अगर उसमें डिपेंड करता है, ठीक है, कम होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, ज्यादा है तो जल्दी वाष्पीकरण होगा, कम है क्षेत्रफल तो कम होगा,
ठीक है। उसी प्रकार तापमान, हम देखते हैं तापमान पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, गर्मी के दिन में जल्दी वाष्पीकरण हो जाता है और ठंडी के दिन में टेम्परेचर कम होता है तो फिर हम स्लो होता है। उसी प्रकार आर्द्रता, आर्द्रता है लिखा हुआ, ये आर्द्रता है। ठीक है, आर्द्रता 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 वाला मौसम या नमी नमी वाला मौसम में भी क्या होता है, वाष्पीकरण बहुत स्लो हो जाता है। ठीक है, बहुत धीरे धीरे होता है वाष्पीकरण, जानते ही है पूरा चारों तरफ क्या भरा रहता है, आर्द्रता यानी पानी पानी पहले से ही, तो वाष्पीकरण कैसे होगा। फिर वायु की गति, हम जानते हैं कि कपड़ा जितना हमारे घरों में जो कपड़ा जो सुखाया जाता है, अगर तेज हवा चलती है तो जल्दी कपड़ा सूख जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वाष्पीकरण तेजी से हो रहा था, यानी कि वायु अगर तेजी से बढ़ेगा तो वाष्पीकरण भी बहुत तेजी से होगा। ठीक है, तो ये हमारा था क्या कहते हैं, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वाष्पीकरण के कारण शीतलता। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है, वाष्पीकरण के दौरान द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा क्या कर रहा है, अवशोषित कर लेता है। ठीक है, वातावरण में ऊर्जा की हानि होती है और वातावरण शीतल हो जाता है। इसका मतलब यही हुआ कि वाष्पीकरण के दौरान जो जब द्रव होता है उसके आसपास क्या था, अपनी ऊर्जा क्या करता है, अपने अंदर की अंदर क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। ठीक है, एनर्जी को अवशोषित, ऊर्जा अवशोषित हो गया तब क्या बच जाएगा, ठंडा लगेगा ही, स्वाभाविक बात है कि अगर उष्मा को यानी कि ऊर्जा को हम क्या कर लिए, अवशोषित कर लिए, तो वो क्या हो जाता है, वातावरण ठंडा हो जाता है। इसीलिए क्या हो जाता है, वाष्पीकरण के दौरान शीतलता होती। ठीक है, कुछ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जो मिट्टी के घड़े में रखे पानी का ठंडा होना ये इसी कारण होता है, हथेली पर इत्र डालना इसी कारण होता है, एसीटोन या पेट्रोल गिरने पर ठंडक महसूस होना ये भी इसी के कारण होता है। ठीक है, आदि बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें से हमने आपको बताया, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। एक आता है विसरण, जो कि हम लोग पहले ही डिस्कस करना चाहिए था लेकिन नहीं कर पाए। चलो, विसरण होता है क्या, डिफ्यूजन होता है क्या, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना, क्या होता है, स्वतः मिल जाता है, उसी को क्या कहते हैं, विसरण का। जैसे ठोस और द्रव में मिल गया, ठीक है, तो उसको विसरण ही कहेंगे। ठीक है, एक होता है घनत्व, घनत्व क्या होता है, किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान उसका घनत्व कहलाता है। ठीक है, अगर घनत्व और द्रव्यमान का रिलेशन दिखाया जाए, जितना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, द्रव्यमान अगर बढ़ता है तो घनत्व भी बढ़ेगा, अगर आयतन घटता है तो द्रव्यमान बढ़ेगा। ठीक है, और इसका ऐसा ही मात्रक हमारा होता है किलोग्राम पर मीटर क्यू, राइट। चलिए, पदार्थ की अन्य अवस्था की ओर बढ़ते हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस। ठीक है, तो पहला होता है क्या, प्लाज्मा, प्लाज्मा स्टेट होता है, यानी कि हम जानते हैं पदार्थ की तीन अवस्था था, ठोस, द्रव, गैस, लेकिन ये अतिरिक्त अवस्था है जो है प्लाज्मा। और एक और है वो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसको BEC भी बोलते हैं, यह पदार्थ का पांचवा अवस्था है। तो प्लाज्मा अवस्था होता क्या है, इस अवस्था में पदार्थ अत्यधिक आयनीकृत गैस के रूप में रहता है, इसमें पदार्थ के कण अति ऊर्जावान और अति उत्तेजित अवस्था में रहते हैं। ठीक है, तो पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था का उपयोग प्रतिदीप्त ट्यूब और न्यूयॉन बल्ब में होता है, सूर्य और तारे में भी प्लाज्मा के कारण ही चमक होती है। तो ये था बुक का जितना भी टॉपिक है उसका हमने आपको डिस्कस कर दिया है, बाकी सब हम लेक्चर इसका लेंगे और ठीक है उसको कर लेंगे, एक्चुअली क्लास में हम लोग करवाते हैं। तो चलिए, इसका जो इंटरनल जो एंड एक्सटर्नल क्वेश्चन आंसर है उसको एक बार नज़र देख लेते हैं, है क्या क्या चीज़। तो अध्याय फर्स्ट है हमारे आसपास के पदार्थ, इसका क्वेश्चन आंसर है इंटरनल क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन आंसर है, वह है निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ है, ये बुक का NCERT बुक का आंसर है। ठीक है, समझ मारी बात, इंटरनल है वही है। तो निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ है, कुर्सी, वायु, स्नेह, घृणा, बादा, विचार, शीत, शीतल पे, इत्र की सुगंध। तो ये हो जाएगा इनमें से पदार्थ, कुर्सी हो जाएगा, वायु हो जाएगा, बादाम, शीत, शीतल पेय, इत्र की सुगंध, ये सारे के सारे क्या है, हमारा पदार्थ है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए। नंबर फर्स्ट है, गर्मागर्म खाने की सुगंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है, ऐसा क्यों होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा,
क्योंकि तापमान बढ़ने से गर्म खाने से निकलने वाली गैस के कणों की गति बढ़ जाती है, जिससे उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है और विसरण भी तेजी से होता है, जबकि ठंडे खाने की महक में विसरण बहुत कम होता है। यही कारण है कि गर्मागर्म खाने की महक कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना होता है। तो इसका मेन रीजन होता है विसरण, जो विसरण है यही कारण है, ठीक है, और टेम्परेचर कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर दो है स्विमिंग पूल, ठीक है, क्वेश्चन नंबर दो है स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? तो जल के कणों की दूरी अधिक होने के कारण इसमें आकर्षण बल कम होता है, इसलिए स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, यानी कि इसका जो कौन सा गुण, अंतरणविक आकर्षण बल, ये जो इसे ही गुण हमको प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर है, यानी कि पदार्थ के कणों की क्या विशेषता होती है? हम जानते हैं पदार्थ के कणों के, हम टॉपिक में भी पढ़ चुके, थ्योरी वाले में भी पढ़ चुके, पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं, ठीक है। चलिए पांचवा क्वेश्चन है, बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें, वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई और लोहा। तो बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में हो जाएगा, पहले वायु हो जाएगा, बहुत हल्का होता है, उसके बाद चिमनी का धुआं हो जाता है, उसके बाद रुई हो जाता है, उसके बाद जल हो जाता है, शहद हो जाता है, चौक हो जाता है एंड लोहा हो जाता है। ये हमारे बढ़ते हुए घनत्व के कारण, कौन भारी है उसको सबसे लास्ट में लिखे और जो सबसे हल्का है उसी तरह बढ़ते क्रम में लिखे, ठीक है। अब हमारा है ठोस, द्रव और गैस में इसके गुणों, अवस्थाओं के गुणों होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए, ठीक है। तो ये हमारा जो है अवस्था है ठोस, द्रव और गैस, आकार के आधार पर हम देते हैं। तो निश्चित, ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रव का अनिश्चित होता है और गैस का भी अनिश्चित है। अगर आयतन की बात करें तो ठोस का निश्चित होता है, द्रव का निश्चित होता है, लेकिन गैस को अनिश्चित होता है। और संपीड्यता की बात किया जाए तो ठोस में नग्न होते हैं, नहीं होती है, इसमें भी नहीं होती है, नग्न होती है, और गैस में अधिक होती है। और बहाव की बात किया जाए तो द्रव में नहीं होता है, इसमें होता है, ठीक है, द्रव में होता है और इसमें अधिक होता है, इसमें गैस में। विसरण की बात किया जाए तो इसमें नहीं होती है और इसमें थोड़ा होता है, लेकिन गैस में अधिक होता है। और गतिज ऊर्जा नहीं होती है इसमें, इसमें कम होती है गतिज ऊर्जा, द्रव में और गैस में अधिक होता है। और आकर्षण बल की बात किया जाए तो ठोस में बहुत अधिक होती है और द्रव में कम होता है और गैस में नहीं होता है, ठीक है, बहुत बहुत ना के ही बराबर होता है। चलिए अगले हमारा है बी नंबर है, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए, दृढ़ता, संपीड्यता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा एवं घनत्व, इस सब के बारे में हमें क्या करना है, डिस्कस करना है, ठीक है। तो हमारा पहला है दृढ़ता है, ठीक है। तो दृढ़ता होता क्या है, पदार्थ का वह गुण जो उसके बाह्य बल के विरुद्ध अपने आकार को बनाए रखने की चेष्टा करता है, दृढ़ता कहलाती है। संपीड्यता क्या कहलाती है, पदार्थ को बाहरी बल द्वारा दबाकर उसके आयतन में परिवर्तन करना संपीड्यता कहलाता है। तरलता क्या होता है, पदार्थ के बहने की प्रवृत्ति को तरलता कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला हमारा है बर्तन में गैस का भरना, तो गैसों का आयतन एवं आकार अनिश्चित होते हैं, जिससे इन्हें किसी भी बर्तन में भरा जा सकता है, ठीक है। आकार यानी शेप क्या होता है, ठोस पदार्थ का आकार निश्चित होते हैं क्योंकि इनमें आकर्षण बल होते हैं, ठीक है। गतिज ऊर्जा की बात किया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होता है, पदार्थ के कण, गतिर्जा पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात इनमें गतिज ऊर्जा होती है क्योंकि ये तीव्र गति से सभी दिशाओं में चलती है। घनत्व क्या होता है, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन है कारण बताने के लिए कह रहा है कि कारण क्या होगा। तो हमारा पहला है कारण, गैस पूरी तरह से उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं, क्योंकि गैस के कणों के बीच गतिज ऊर्जा अधिक होती है तथा उनमें आकर्षण बल नगण्य होते हैं, ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बी में कह रहा है कि गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है, तो ऐसा क्यों होता है, इसका कारण बताना है, क्योंकि अत्यधिक गतिज ऊर्जा के कारण गैस के अणु बर्तन की दीवार से टकराते हैं, इसी तरह गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालते हैं।
अगला हमारा है तीन नंबर है, यानी सी है, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। क्यों कहलाएगी? क्योंकि लकड़ी दृढ़ होते है, इसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। चलिए डी है हमारा, हवा में आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। क्योंकि हवा के अणुओं के बीच अंतरणवीय आकर्षण बल होते हैं, जबकि ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होने के कारण उन्हें काट पाना आसान नहीं होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आठ हमारा है कि सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा, पता लगे ऐसा क्यों होता है? देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ठोस का टुकड़ा ठोस होने के बावजूद उसमें हवा के बुलबुले अंदर कैद हो जाते हैं, यानी कि अंदर जो फ्रिज होता है उसमें रह जाता है, जिससे बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम हो जाता है। जल से कम घनत्व होने के कारण बर्फ का टुकड़ा जल में तैरता है, यही रीजन है। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित ताप को सेल्सियस में बदले, तो यह है 300। सेल्सियस में बदलने के लिए कुछ नहीं किया जाता है, 273 घटा देंगे सेल्सियस में, वो हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे 300 में 273 घटाएं तो 27 डिग्री क्या हो गया, सेल्सियस हो गया। उसी प्रकार 553 है तो 553 273 घटा देंगे तो हो जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित तापमान को जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, तो 250 डिग्री है तो इसमें गैस बनने लगेगा। ठीक है, यानी कि द्रव से गैस में ही बनने, 100 में द्रव ही रहता है लेकिन वो भी उलबलते रहता है, और 0 डिग्री पर ठोस होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि जाने वाली ऊष्मा उसके कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ने में प्रयुक्त हो जाती है, यानी कि जब तोड़ा जाता है उसी में उसका आकर्षण बल जो है उसमें लग जाता है, यानी प्रयुक्त हो जाता है, अतः इस प्रकार अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 12 है, वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन के लिए कोई विविध विधि सुझाइए, यानी कि कह रहा है वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन के लिए कोई विधि सुझाइए, तो इसका विधि हम बताते हैं, तो गैसों के अणुओं पर दबाव बढ़ा देने पर ताकि वे अधिक पास आ सके, दूसरा नंबर है गैसों का तापमान कम करके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, गर्म कोमा शुष्क दिनों में कूलर अधिक क्यों ठंडा क्यों करता है। ठीक है, यानी कि शुष्क दिनों में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि गर्म शुष्क दिनों में वायु में नमी कम होती है और तापमान अधिक होता है, और जिसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, और हम जानते हैं कि वाष्पीकरण से शीतलता उत्पन्न होती है, अतः कूलर के अंदर से ठंडी हवा निकलती है। बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला हमारा, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि घड़े में बहुत अधिक संख्या में छिद्र होते हैं जिससे पानी बाहर रिसता रहता है तथा इसका वाष्पीकरण हो जाता है, इसी तरह घड़े का पानी बाहर आता रहता है और वाष्पीकरण में कम हुई ऊर्जा को पुनः घड़े और शेष बचे जल से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में ले लेता है, यह प्रक्रिया चलती रहती है, चूंकि घड़े एवं जल से ऊष्मा अवशोषित होती है तथा वाष्पीकरण होता है, इसलिए घड़े का पानी क्या होता है, ठंडा जाता है। तो इसका आंसर हम यहां से भी लिख सकते हैं, कहां से, यहां से। ठीक है, ये रहा यहां से, घड़े एवं जल की ऊष्मा अवशोषित होती रहती है जिससे वाष्पीकरण होता है। ठीक है, यहां से भी लिख सकते, वाष्पीकरण के कारण ही ऐसा कुछ हो रहा है घटना। अगला क्वेश्चन है, एसीटोन या पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है। एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हथेली इसलिए ठंडी हो जाती है क्योंकि इसके कारण हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेता है और वाष्पीकृत हो जाते हैं जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है।
अगला हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? कप की अपेक्षा सतह का क्षेत्र बढ़ने से, यानी कप की अपेक्षा जो होता है, कप की अपेक्षा सतह का क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, जिसके कारण चाय या दूध जल्दी ठंडी हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? गर्मियों में हमें आंसर हो जाएगा, गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। सूती कपड़े ऊष्मा का अवशोषण बहुत कम करते हैं तथा सूती कपड़े में अत्यधिक छिद्र होते हैं जिसमें पसीना अवशोषित हो जाते हैं, और जब ये पसीना वाष्पित होता है तो हमें शीतलता महसूस होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, यानी 18 नहीं, इसी का है क्वेश्चन है, बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदे क्यों नजर आती है? तो क्योंकि जिस बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं, जल्द ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंद नजर आने लगेगी। वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के सतह में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेता है, क्यों ये ठोस है? क्या ये ठोस है? तो हाँ, चाहे हम चीनी या नमक को अपने हाथ में ले या किसी प्लेट या जार में रखे, इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते, इसीलिए ये ठोस कहलाते हैं। चलिए अगला हमारा है अभ्यास है, ठीक है, एक्सटर्नल क्वेश्चन है, अभ्यास वाला है। निम्नलिखित तापमानों को केल्विन में परिवर्तित, केल्विन बदलने के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं, बस 273 जोड़ देंगे, जो कि यहाँ पर जोड़ देंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, यहाँ पर 25 होगा, 25 प्लस 273 तो हो जाएगा, तो 7 × 3 = 10 ये किया गया है सही एडिशन, बस यहाँ पर क्या होना चाहिए, 25 होना चाहिए, ठीक है, 25 कर लेना है, तो ये हो जाएगा 298। यहाँ 273, इसमें 273 जोड़ देंगे, 373 और ये 273 तो हो जाएगा 646, ठीक है, बस यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको आप 25 कर लीजिएगा, जोड़ा हुआ सही है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में बदल ले, तो सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करेंगे? इसको माइनस कर देंगे 273 से, हो जाएगा 27 डिग्री, और इसमें भी उसी तरह से कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखे। नेफ्थलीन को रखा रहने देने पर या समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नेफ्थलीन एक ऊर्ध्वपातनशील पदार्थ है जिसका समय के साथ आसानी से ऊर्ध्वपातन हो जाता है, ठीक है, तो इसका क्या कारण, ऊर्ध्वपातन कारण। हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है, ऐसा विसरण के कारण होता है, ठीक है, ऐसा क्यों होता है? आंसर हो जाएगा, ऐसा विसरण के कारण होता है, इत्र के कण सभी दिशाओं में गति करते हुए वायु के अणुओं में विसरित होकर हम तक पहुंच जाते हैं। निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण बल के अनुसार व्यवस्थित कर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 था, तो इसके आकर्षण के अनुसार हमको क्या करना, सजाना होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 दिया हुआ, तो ऑक्सीजन हो जाएगा, फिर जल हो जाएगा, फिर चीनी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 25 डिग्री पर द्रव है और 0 डिग्री पर ठोस रहता है और 100 डिग्री पर द्रव ही रहता है, वो भी वाष्पीकृत होने के दर। तो 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पुष्टि हेतु कारण दे। जल कमरे के ताप पर द्रव है क्योंकि कमरे का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होता है और जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए 0 डिग्री से ऊपर तथा 100 डिग्री से कम तापमान पर जल द्रव के रूप में हो
हमें मिलेगा। क्वेश्चन नंबर बी है, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है क्योंकि इसमें दृढ़ता का गुण है तथा इसका आकार निश्चित होता है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है? क्योंकि आंसर हो जाएगा क्योंकि बर्फ तथा जल आसपास से ऊष्मा ग्रहण कर लेते हैं जिससे आसपास का तापमान कम होकर शीतलता अनुभव होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है? भाप में, क्योंकि भाप में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, जहां गुप्त ऊष्मा ज्यादा है इसी वजह से क्या हो रहा है, इसी जिसके कारण हमें जलन, अधिक जलन महसूस होती है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट था, ठीक है, क्वेश्चन। ठीक है, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।